हेलो फ्रेंड्स, एनपीटी इन्वेस्टमेंट गुरु में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे स्टॉक के बारे में बताने वाला हूँ जिस स्टॉक की प्राइस 23 पैसे थी और अब ये स्टॉक 4 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और इस स्टॉक की 52 वीक हाई 4.56 रुपये है। तो शुरू करने से पहले, अगर अभी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं आपके लिए ऐसे इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड वीडियोस बना के लेके आऊँ तब आपको उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो शुरू करें। गए साल इस स्टॉक ने 1,452% का रिटर्न दिया है। ईयर रेट में इस स्टॉक ने 750% का रिटर्न दिया है। गए 6 महीनों में इस स्टॉक ने 485% का रिटर्न दिया है और गए महीने इस स्टॉक ने 86% का रिटर्न दिया है। इस स्टॉक का 5 साल का CAGR 66% का है और 3 साल का CAGR 137% का है। ये स्टॉक जिस कंपनी का है उस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो ये स्टॉक अपने सेल्स को एक रेंज पे मेंटेन करते हुए चल रहा है और ये कंपनी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को भी मेंटेन करते हुए चल रही है। और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस कंपनी के सेल्स की बात करें तो इस कंपनी का सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम हुआ है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी नेगेटिव में है और इस कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर नेगेटिव में जाते हुए दिख रहा है। ये स्टॉक जिस कंपनी का है उस कंपनी का नाम तातिया ग्लोबल वेंचर लिमिटेड है और ये स्टॉक BSE में लिस्टेड है और ये कंपनी टेक्सटाइल और इन्वेस्टमेंट में काम करती है। इस कंपनी का मार्केट कैप 56.9 करोड़ का है और बुक वैल्यू 1 रुपये के आसपास है। अगर स्टॉक के चार्ट की बात करें तो स्टॉक लगातार हायर हाई और हायर लो का पैटर्न बनाते हुए एक नया हाई बना रहा है और इस स्टॉक को बाय करने के ये दो एंट्री पॉइंट्स हैं, 2.21 रुपीज़ और 1.35 रुपीज़। अगर इस स्टॉक के वॉल्यूम की बात करें तो हर दिन ये स्टॉक 4 लाख की डिलीवरी कर रहा है। और अगर इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 38% शेयर्स प्रमोटर्स के पास है जो बहुत ही कम है और 61.90% शेयर्स जनरल पब्लिक के पास है। तो फ्रेंड्स, लगातार ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है और अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो ये स्टॉक आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और किसी भी स्टॉक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।